हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कम्बसन फ्लेम एंड फ्यूल। इसमें आपको रीडिंग थोड़ी सी करा दी गई थी, अब हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहे हैं। जो इसकी एक्सरसाइज है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द कम्बसन। वॉट इज टू बी कॉल्ड? कम्बसन। When a substance is burned in air, it releases the gas that is carbon dioxide. जब हवा में कोई चीज जलती है तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। When iron is exposed to air, it forms ash, bands, rust, melt. जब कोई लोहा हवा के संपर्क में आकर के एक्सपोज्ड हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है? रस्टिंग आ जाता है, रस्ट हो जाता है। वो क्या हो जाएगा आपका? रस्ट। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, रस्ट। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट आयरन, कॉपर, कार्बन, सिल्वर। तो प्रोड्यूसर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कार्बन, कॉपर में भी, आई विल चेक इट। ओवर रेड हॉट कार्बन, दिस इज रेड हॉट कार्बन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ऑन बर्निंग सॉलिड फ्यूल्स लीव डैश एंड डैश। जलने पर सॉलिड जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, वो क्या छोड़ते हैं? अब एक तो राख छोड़ते हैं और एक CO2 छोड़ते होंगे, चेक कर लेते हैं। सॉलिड फ्यूल में जैसे आपका उपला हो गया, कंडा हो गया ना, ये होते हैं, ये सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। लकड़ी हो गई, ये सॉलिड फ्यूल्स हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑन बर्निंग सॉलिड फ्यूल्स। स्मोक एंड रेसिड्यू क्या छोड़ते हैं? स्मोक एंड रेसिड्यू। स्मोक मतलब धुआं हो गया, रेसिड्यू मतलब अवक्षेप से हो गया। स्मोक एंड रेसिड्यू यानी राख जैसा बचा हुआ मलबा, ठीक है। फ्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ डैश एंड डैश। फ्यूल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ डैश एंड डैश। फ्यूल्स किसके किसके कंपाउंड्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन। फ्यूल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आता है P+O2। फास्फोरस और ऑक्सीजन जब आपस में जलते हैं तो क्या मिलता है, क्या बनता है, देखते हैं। P+O2 के कॉक्स की इक्वेशन होगी यहाँ पर फास्फोरस के साथ, P2O5 होना चाहिए। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P2O5 होना चाहिए। अच्छा, इसमें पूछा है डैश एंड डैश में दो पार्ट पूछ रखे हैं, क्या क्या आएगा इसमें। तो आता है P2O5, वही बताया ना मैंने आपको, P2O5 बनता है। ये O है आपका P2O5 और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर फास्फोरस 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और 5 टू 10 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 10 यहाँ पर है और यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी 10, बैलेंस ऐसे करते हैं।
और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आगे है मटेरियल सच एज ग्लास मेटल्स सेरेमिक्स ईटीसी आर नोन एज द मटेरियल्स। ग्लास मेटल्स सेरेमिक्स के बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखेंगे ये होते हैं नॉन कम्बसेबल मटेरियल्स, इनमें एकदम से आग नहीं लगती है या ना के बराबर लगती है। नॉन कम्बसेबल सब्सटेंस, द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज नोन एज, इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। That is dark zone. ये हो जाएगा आपका डार्क जोन। क्या हो जाता है? डार्क जोन। ठीक है, फिर आपका सोडियम इज कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसीन। केरोसीन सोडियम का एग्जांपल था। देखो सोडियम किसके साथ है? केरोसिन एंड फास्फोरस इन फास्फोरस ऑल्सो इन केरोसिन फॉर एग्जाम्पल डेमेज टू बी कैप्ट इमर्ज इन द केरोसिन बिकॉज दैट एक्सपोज टू द ओपन एयर इट कैचेस फायर ऑन इट। अदर एग्जाम्पल ऑफ द सब्सटेंस आर सेम दैट इज द रीजन सोडियम इज कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन एंड फॉस्फोरस इज ऑल्सो इन केरोसिन। केरोसिन वाटर में क्या लिख सकते हैं? वाटर लिख सकते हैं, वाटर में हो जाएगा। केरोसिन और वाटर दोनों एग्जांपल हैं इसके। ठीक है ना, वाटर हो जाएगा। फिर आते हैं ट्रूफल, द सब्सटेंस विच कैचेस फायर इजली इज कॉल्ड द कम्बसेबल सब्सटेंस। ट्रू, व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्नड इन एयर इट रिलीज ऑक्सीजन। फॉल्स, कंबसन इज ऑक्सीडेशन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। ऑक्सीडेशन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ट्रू, हीट और लाइट दोनों में। ग्लास मेटल्स एंड सेरेमिक्स आर कंबसेबल सब्सटेंसेस। ग्लास मेटल्स एंड सेरेमिक्स आर कंबसेबल सब्सटेंसेस। फॉल्स, द करेक्ट टेम्परेचर फॉर इग्निशन इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। मे बी राइट और रॉन्ग, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको या क्रिटिकल टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट नहीं बोला, फॉल्स। काइंडिंग टेम्परेचर या फिर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंटेन्स ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन।
एलपीजी जो है ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन दोनों रखती है, चेक करना पड़ेगा इसको, ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। प्लस पॉइंट भी इसका करेक्ट आंसर बेटा, प्लस पॉइंट भी कहते हैं, ये भी ट्रू होगा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों ने रखती है, फॉल्स है। इग्निशन टेम्परेचर को ही फ्लैश पॉइंट भी कहा जाता है, ये ट्रू है आपका। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स फिलअप्स और मैच एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।